राजधानी दिल्ली में बदमाशों ने की सरेराह फायरिंग। मामला दिल्ली के सिंधु बॉर्डर का है, जहां अवैध रूप से टैक्सी चला रहे एक ग्रुप ने दूसरे टैक्सी ड्राइवर और उसकी पत्नी समेत बच्चों पर फायरिंग की। इन बदमाशों ने पुलिस के सामने भी फायरिंग की है। फायरिंग करते हुए बदमाश दो गाड़ियों से फरार हो गए और तीसरी गाड़ी इनकी यहीं पर रह गई, क्योंकि फायरिंग में उस गाड़ी पर भी कई गोलियां लगी थी। इस घटना में एक पानी के स्टॉल वाले को भी गोली लगी है, जिसका इलाज नजदीक के अस्पताल में चल रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच अलीपुर थाना पुलिस कर रही है। दिल्ली से करुण ठाकुर के साथ अनिल अत्री, नवोदय टाइम्स।